Hello students, today we will do our chapter number 10, that is gravitation of class 9. ठीक है, so सबसे पहले if we think about the gravitation, तो हमारे mind में क्या आता है, हमारे mind में आता है gravity. ठीक है, gravity means everything is being attracted by the earth. ठीक है, मैं जब भी क्लास में टीच कर रहा होता हूं, मैं हमेशा सबसे पहले पूछता हूं दैट व्हाट इज ग्रेविटी या व्हाट इज ग्रेविटेशन. ठीक है, सो एप्रोक्सीमेटली सबका आंसर यही होता है कि वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. ठीक है, सो ग्रेविटेशन एक्चुअली में क्या होता है ये हम देखेंगे इसमें, एंड ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है. ठीक है, या ये दोनों आपस में सेम चीजें हैं, या ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ ही होता है. ठीक, सो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे. फाइन, सो अगेन जब हम सबसे पहली बार ग्रेविटेशन के बारे में सुनते हैं तो कुछ कुछ हमारा पिछले क्लासेस का हमें थोड़ा सा याद होती है चीजें, तो ये जरूर याद होता है कि भाई न्यूटन का केस है इसमें. ठीक है, क्या था कि न्यूटन ट्री के नीचे लेटा हुआ था एंड द एप्पल फॉल डाउन. ठीक है, सो ये स्टोरी सबको पता है कि एप्पल नीचे गिरा तो ही थॉट ऑफ इट कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, देन रेनड्रॉप्स नीचे ही क्यों आती हैं, अगर मेरे हाथ से कोई चीज गिरी तो वो नीचे ही क्यों जाएगी, नीचे मींस टुवर्ड द अर्थ. ठीक है, तो हर चीज टुवर्ड द अर्थ ही क्यों आ रही है, तो सबसे पहली थिंकिंग जो आई वो ये न्यूटन को आई, एंड उससे फिर आगे जो है इसकी स्टडी शुरू हुई. फाइन, तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि काश एप्पल की जगह पेड़ ही गिर जाता, काम ही खत्म होता. नहीं सर, वो ना करता कोई और कर लेता. ठीक है, दिस यू कैंट स्टॉप द इमेजिनेशन ऑफ दीज पीपल. ठीक है, अगर वो ना सोचता कोई और सोच लेता, बट ही थॉट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो ग्रेविटेशन एक्चुअली में क्या होता है, तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू मासेस. ठीक है, कि कोई भी दो चीजें हैं जिनके पास मास होगा उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स होगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये जब आगे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटेशन करनी शुरू की कि क्या ये सिर्फ अर्थ की तरफ ही है या और भी है, फिर जैसे हो रहा है कि एवरीथिंग मूव्स इन अ लीनियर मोशन. ठीक है, कि अगर मैं कोई चीज फेंकूंगा तो ऐसे अपने पाथ पे सीधा सीधा जाएगी, बट व्हाई द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, कोई तो अट्रैक्शन है जो सन अर्थ पे लगा रहा है, जो वो सीधा नहीं जा रहा बट ऐसे सर्कुलर मोशन में हो जाता है. द सेम वे अगर तुमने पिछली मेरी वीडियोस देखी हैं और मोशन की लास्ट सर्कुलर मोशन किया था, तब मैंने ये चीज बताई थी कि अगर मेरे पास एक स्टोन है और एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो क्या है कि स्टोन बाहर जाना चाहता है बट स्ट्रिंग उसे बाहर नहीं जाने देती, वो सर्कुलर मोशन में घुमा देती है. ऐसे स्टोन बाहर जाना चाहता है बट स्ट्रिंग उसे फिर सर्कुलर मोशन में घुमा देती है. सो मींस अर्थ और सन के बीच में कोई तो ऐसी फोर्स है जो अर्थ को सन के साथ टाइड अप रख रही है. ठीक है, टाइड है दोनों. सो ये सारी चीजें हम इसमें ग्रेविटेशन में देखेंगे. दैट मींस ये एक और हमने एग्जांपल देखा कि हर चीज अर्थ की तरफ नहीं अट्रैक्टेड, अर्थ तो सन की तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसे ही द अदर प्लैनेट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सन. फिर एग्जिट सिर्फ यही है? ठीक है, इट इज इनफ? नो, प्लैनेट्स भी आ रहे हैं. ठीक है, फिर आगे प्लैनेट्स पे स्टडी शुरू हुई कि प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स होते हैं, सो दैट सैटेलाइट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्लैनेट्स, अगेन कोई ना कोई फोर्स तो है. फाइन, तो क्या है हमारे पास, तब अगेन ये एक्सपेरिमेंटेशंस के साथ हम एक नई चीज पे आए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये सिर्फ अर्थ के बीच में नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द अदर बॉडी ऑन दैट प्लैनेट.
ठीक है, और प्लैनेट की जगह मैं अर्थ कह दूं तो भी चलेगा, कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मींस अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होना, राइट। ग्रेविटेशन एक उससे बड़ा वर्ड है, ग्रेविटेशन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, ठीक है। तो ऐसे ये जो हमारी स्टडी शुरू हुई, राइट, तो न्यूटन ने इसको स्टडी किया, एंड हमेशा हमारी साइंस ऐसे ही चलती है कि हम क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि ऑब्जर्व किया ये नीचे ही गिर रहा है एप्पल, फाइन, फिर उसको लैब में लेके जाते हैं, मींस लैब में हम स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं और एक फॉर्मूला बनाने की ट्राई करते हैं कि अगर 5 kg का कोई सब्सटेंस है वो उस पे कितनी फोर्स लग रही है, 10 kg है उस पे कितनी फोर्स लग रही है, या ये अट्रैक्शन कितनी पावरफुल है कितनी नहीं है, ठीक, किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें फिर आगे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की, फाइन। तो दिस वाज आवर ग्रेविटेशन इंट्रोडक्शन, ठीक है, समझ आया कि ग्रेविटेशन क्या है, सिर्फ अर्थ के बीच नहीं, हर किसी के बीच में, हर दो बॉडीज के बीच में जिनके पास मास है उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं हो रहा, अगर मैं कह रहा हूं कि हर दो बंदे अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये अगर मेरे पास बोर्ड है बोर्ड अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ गया, नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि वो डस्टर पड़ा है, डस्टर तो मैं हाथ आगे करूं अपने आप मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है, आई डोंट हैव दैट सुपरनेचुरल पावर्स, ठीक। सो ऐसा तो मुझे दिख ही नहीं रहा, अर्थ की तरफ तो फिर दिख रहा है, अगर मैं इस कैप को छोड़ूं तो ऐसे क्या होगा, नीचे अर्थ की तरफ चला गया, बट मेरी तरफ आते ही चीजें दिख रही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं आगे दूंगा कि ऐसा क्यों, जस्ट अगेन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन आवर यूनिवर्स, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है कि वी हैव डिवाइडेड या वी हैव फाउंड दैट फोर्सेस आर ऑफ 4 types, जो तुम आगे अपनी बड़ी क्लासेस में करोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। सो ऐसे हमारे पास क्या है, अलग अलग फोर्सेस हैं जिसमें से सबसे वीकेस्ट हमारी ये ग्रेविटेशनल है, सो दिस इज अ वीकेस्ट फोर्स, दैट्स व्हाई ये ऑब्जर्वेबल तभी होती है जब मास बहुत ज्यादा हो, हमारे छोटे मोटे मास पे ये डिपेंड नहीं करती, अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, अर्थ के मास पे ये ऑब्जर्वेबल है, फाइन। सो ये ग्रेविटेशनल है हमारा, ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल। अब फिर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट, एंड वी वांट टू फाइंड अ फॉर्मूला फॉर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइन। तो अब क्या है कि न्यूटन जी ने स्टडी शुरू की, उसने कहा कि मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने दो बॉडीज ली, सपोज उसने दो बॉडीज ली, m1 m2 mass, ठीक है, एक का मास था m1, दूसरे का मास था m2, या इजी करने के लिए मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, दूसरी भी 1 kg है, ठीक, उसको स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखा, तो उसने देखा कि अगर इन दोनों में डिस्टेंस भी 1 है तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेरे पास फोर्स 1 N आ रही है, दोनों मास में 1 kg है, डिस्टेंस भी दोनों में 1 है, तो व्हाट इज सॉ कि उसके पास 1 आ रहा है यहां पे, फाइन। फिर अगर उसने क्या किया, एक मास को डबल कर दिया, इसमें से इन दोनों में से एक मास को डबल कर दिया, then he found that mass जो फोर्स थी वो डबल होगी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि पहले फोर्स 1 N थी, सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं समझने के लिए, एक्चुअल में इसके बीच में एक कांस्टेंट भी होता है, एक और वैल्यू भी होती है, कि अगर मैं तीनों m1 भी मान रख लूं, m2 भी मान रख लूं और r भी मान रख लूं तो भी इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, बट सिर्फ समझने के लिए रख रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं कह दूं कि मैंने एक का मास डबल कर दिया तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि फोर्स डबल हो गई, ठीक है। फिर डिस्टेंस सेम है, दो बॉडीज थी, एक का मास m1 है, एक का m2 है, दोनों किसी डिस्टेंस में,
फाइन। तो उसने क्या देखा कि जितनी फोर्स m1 m2 मास पे थी, अगर मैं मास इसका डबल कर दूं, 2m1 कर दूं, मींस एक का मास डबल करने पे फोर्स डबल हो रही है, ठीक है। फिर आगे उसने क्या किया, उसने दूसरे का भी मास डबल कर दिया, दोनों के डबल हो गए, ठीक। तो व्हाट ही फाउंड दैट मास दोनों का डबल करने पे उसकी जो फोर्स थी, देखो F1 केस में अगर उसकी फोर्स आ रही है F1, ठीक है, तो जब उसने एक मास डबल किया था तो उसकी फोर्स आ रही थी 2 times F1, फोर्स भी डबल हो गई, जितनी पहले थी उससे डबल। फिर उसने क्या किया, दोनों मास डबल कर दिए, दोनों मास डबल किए तो व्हाट ही फाउंड की फोर्स 4 times हो गई जितनी पहले थी, मींस 2 किया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 एक और 2 किया तो 2 into 2 4 हो गया, मींस फोर्स हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस की। फिर उसने क्या किया, उसने किया एक को डबल ही रहने दिया, एक को ट्राइस कर दिया, अब जितनी फोर्स थी उससे 6 times हो गई, ठीक है। तो यहां से उसका फर्स्ट पॉइंट आया दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये सिचुएशन में पाएंगी एक्सपेरिमेंटली, ये चीज पाएंगी, ठीक है, कि ऐसा भी तो हो सकता ना, ये m1 + m2 कर दे, कि अगर मैं a को डबल कर दूं तो उन दोनों का प्लस होके कुछ आता, ऐसा भी हो सकता था, m1 - m2 हो सकता था, m1 / m2 हो सकता था, बट नो, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि अगर जैसे जैसे मैं मास चेंज कर रहा हूं इन दोनों के प्रोडक्ट में फर्क पड़ रहा है, दोनों के प्लस में नहीं फर्क पड़ रहा, माइनस में नहीं फर्क रहा, डिवाइड में नहीं चेंज आ रहा, ठीक है, दोनों के किस में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। सो फर्स्ट चीज हमने ये ऑब्जर्व, देन उसने क्या किया, देन उसने मासेस सेम रखे, ए का मास रखा m1, ए का मास रखा m2, फाइन। फिर अगर उसने पहले डिस्टेंस लिया 1 meter, दोनों के बीच में 1 meter रख दिया, ठीक है, तो he observed that force suppose F1 आ गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, distance double कर दिया, पहले 1 meter था, 2 meter हो गया, so in this case what he found कि जितनी भी उसकी force थी उससे 1/4 हो गया, ये means अगर पहले 16 न्यूटन की फोर्स आई थी, सपोज लाइक करते हैं, तो इस बार सिर्फ 4 न्यूटन की फोर्स आ रही है, 16/4, ठीक है। फिर व्हाट ही ऑब्जर्व कि अगर वो डिस्टेंस को 2 की जगह 3 मीटर कर दे तो क्या आ जाएगा, वो 9 आ रहा था, कि 1/9 टाइम फोर्स कम हो रही थी, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है कि दो मासेस को जितना दूर लेके जाऊंगा उतनी उनमें अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। हम मैग्नेट में भी देखते हैं, देखो कि जो हम जनरली मैग्नेट यूज करते हैं हम घरों में, कि एक मैग्नेट है, मैं जितना दूर लेके जाऊंगा उतना मैग्नेट की जो फोर्स है उस पे कम लगेगी, ऐसे ही जितना दूर लेके जाऊंगा मैं, जितना डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं उतनी फोर्स कम होगी। बट इट वॉज ऑब्जर्व बाय न्यूटन दैट इफ ही डबल्स द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस देन द फोर्स बिकम 1/4, and if he thrice the distance between the masses then the force become 1/9 time of the original, okay। so yahan se usne double kiya tha to 4 ho gaya, triple kiya 9 ho gaya, you can observe this f1 / 2 ka square, f1 / 3 ka square, so double kiya to square ho gaya, triple kiya to square ho gaya, means what he found ki force is inversely proportional to the square of distance between the two masses, theek hai। to yahan se second observation uski hai,
ठीक, आई होप ये एक्टिविटी क्लियर हो गया। सो हम इसको बना लेते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं कि इफ आई हैव टू बॉडीज, ये जो बनाते हैं, लेट फर्स्ट ऑफ मास m1 एंड द सेकेंड बॉडी ऑफ मास m2 सच दैट देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है, दिस इज द सेंट्रल फोर्स। ये हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द टू, राइट, ये याद रखना है। r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके। सो ही फाउंड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी ऑफ मास m1 एंड m2 is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers, okay। So ab agar main inko combine kar do, do alag alag kyun likhne hai, dono ki left hand side pe force hi hai, theek hai, so f is directly proportional to m1 m2 upon r square, theek hai, it is m1 m2 upon r square, but ये directly है, मुझे formula में directly नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए equal to का sign, ठीक है, equal to means कि ये किसके equal होगा। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे suppose मैं mass double कर रहा था, force भी double हो रही है, ठीक है, but ये आपस में इक्वल नहीं है। इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, कि यू आर फैमिलियर विद द ग्राफ्स नाउ, कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा मास, मैंने एक डबल किया, पहले 1 था, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, बाकी चीजें सेम रखी, मेरी फोर्स 1 मास रखने पे मेरी फोर्स है सिर्फ 10^-2 फोर्स, ठीक है, फोर्स, फिर मैंने मास डबल किया तो ये 2×10^-2 हो जाएगी, मास ट्रिपल करूंगा तो 3×10^-2 हो जाएगी, बट ये आपस में इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है, कि यहां पे क्या है कि मास अगर बढ़ा रहा हूं, मास अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो उससे फोर्स भी इंक्रीज हो रही है, नो डाउट, बट दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड दिस इक्वेशन और दिस फॉर्मूला व्हिच वी हैव डिराइव्ड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, फाइन, बाय न्यूटन, फाइन, और हियर दिस जी इज, इट इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है, अब कॉन्स्टेंट मीन्स इसकी वैल्यू सेम है, कॉन्स्टेंट, राइट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट मीन्स दैट इट वैल्यू, इट्स वैल्यू रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द यूनिवर्स, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाऊं इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसा क्यों, अगर मैं कहूं कि कॉन्स्टेंट है, ऐसा भी कोई कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू यहां पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और होती है, सो यस, ये तुमने कई बार सुना होगा कि अगर मेरा वेट यहां पे 60 है तो मून पे जाके मेरा वेट 10 रह जाएगा, ठीक है, तो मेरा वेट अगर मैं यहां करूं, इस रूम में, मैं कह रहा हूं इस रूम में मैं यहां पे वेट करूं, 60 आ रहा है, वहां पे करूंगा 60 आएगा, वहां पे करूंगा 60 आएगा, मैं बाहर जाके वेट करवा लूं तो भी मेरा 60 आएगा, दैट मींस मेरा वेट यहां पे कांस्टेंट है, मून पे चला जाऊंगा तो मेरा वेट 1/6 हो जाएगा, मतलब 60 का 10 ही रह जाएगा, तो जो चीज यहां पे कांस्टेंट थी वहां जाके बदल गई, ठीक है, तो
ऐसी हमारे पास चीजें होती हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर उस कंडीशन में है तो कांस्टेंट है, अगर उस कंडीशन में नहीं होगी तो उसकी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। बट हियर दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मींस इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट फॉर या इन ऑल ओवर द यूनिवर्स, इन ऑल द यूनिवर्स इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारे पेपर में आ जाता है, इसलिए हम इसको डिफाइन भी करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला भी लिखेंगे। इसका डिफाइन क्या कहता है? इट्स डिफाइन सेज there is force of attraction between every two masses, okay, there is force of attraction between every two masses such that the force is directly proportional to product of masses, directly proportional to the product of the masses, and inversely proportional to square of inversely proportional to square of distance between their centers, ठीक है, distance between their centers। so ये हमारा gravitational force का formula है, इसको हम hold कर लेते हैं, इसको अच्छे से देखो, ये है हमारा F का फॉर्मूला, ठीक है। F is equal to GMM upon R square या GM1 F2 upon R square, फिर अब तक क्लियर है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है, ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इसमें हमने कहा कि ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पे डिपेंड करता है। फिर हमने G को इंट्रोड्यूस किया इसमें, फिर हमने G को कहा कि जी होता क्या है, जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट बट इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। अब ये पंद्रह था, इसकी वैल्यू होगी क्या? सो हम हर वैल्यू को डिफाइन कैसे करते हैं? हम हर एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं बाय टेकिंग द अदर वैल्यूज टू बी यूनिट, ठीक है, कि बाकी चीजों को यूनिट कर लो इसकी डिफाइन बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इफ आई टेक m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kgs, कि मैंने कहा m1 1 kg है, m2 1 kg है एंड r1 इज इक्वल टू 1 मीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दो बॉडीज हैं, दोनों का मास है 1 kg एंड दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, देन व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट f इज इक्वल टू g, ये बचेगा, ठीक है। तो g क्या है? g इज फोर्स, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ फोर्स व्हेन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन देयर मासेस इज यूनिट एंड दे हैव यूनिट डिस्टेंस बिटवीन देम, यूनिट मींस 1, तो ये इसकी डिफाइन है, right? तो ऐसे में इस जी की वैल्यू निकाल सकता हूं। जी की वैल्यू कैसे निकालनी है? दो बॉडीज ले लो जिनके बीच में मास है 1 kg, उनके उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखो, जितनी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो जी की वैल्यू होगी, ये बोला, ठीक है, जी की वैल्यू होगी फोर्स के बराबर जब दोनों फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज
इन दो बॉडीज के बीच में जो भी फोर्स है, जब ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है और इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। तो इसका डिफाइन लिख लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एस फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, इफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इफ दे हैव यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, जी की वैल्यू निकाल दी। एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ में भी ना भी समझ आए तो वो मैं नहीं बताऊंगा, जो समझ आ जाएगा एक एक सिंपल सी एक्टिविटी थी वो बताता हूं कि फोर्स क्या है। मेरे पास यहाँ पे एक वाइंग मशीन है, ठीक है, ऐसे होती है हमारी वाइंग मशीन, के नीचे मैंने एक वेट टाइप किया, ठीक है। तो ये वाइंग मशीन जो उसके स्प्रिंग होता है, ठीक है, कहीं हमने नहीं देखा होगी ऐसे, तो क्या है कि एक स्प्रिंग होता है, जितना हम स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचते हैं उतना यहाँ पे वेट्स लिखे होते हैं, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, ठीक है, ऐसे वेट लिखे होते हैं। सो जब मैं नीचे की इस पे कोई चीज टाई करूंगा तो इसके वेट के कारण ये स्प्रिंग नीचे आ जाएगा, जब स्प्रिंग नीचे आएगा उसकी एक नीडल लगी होती है, वो नीडल भी नीचे आके जहां ये रेस्ट करेगी वो मुझे वेट बता देगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वे को इस एक बॉल को इस वेट स्प्रिंग पे टाई किया, ठीक, और इसका रीडिंग नोट की हुई है। फिर मैंने क्या किया, इसके नीचे एक वेट लेके गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन फोर्स है, मींस ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो उसके कारण इसके फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि यहां पे वेट चेंज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उस वेट को बता सकता हूं कि वेट के अकॉर्डिंगली मैं फोर्स बता सकता हूं, और यहां से हम ये फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक्टिविटी थी जो मुझे लगता है तुम्हें समझ आ जाएगी कि हमारे यहाँ पे एक वेइंग मशीन है जिस पे बॉल हमने रखी है, ठीक, उस बॉल को जब हमने टाई किया तो यहाँ उसका पहले अपना मास आया, अपना वेट आया, फिर मैं एक बॉल को ओवर नीचे लेके गया, तो बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा कि ये और नीचे की तरफ आएगा, जिसके कारण इस पे वेट में फर्क पड़ेगा, उस वेट जितना फर्क पड़ा वो हम निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम ये 1 kg के लिए F की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दीज एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स वी फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 into 10 raised to the minus 11 न्यूटन। अगे चलो अभी यही तक, ये मेरे पास G की वैल्यू हमने फाइंड की, ठीक। फिर अब इसके यूनिट्स भी होंगे कोई ना कोई, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे ये हम निकाल लेते हैं भाई। तो फॉर्मूला क्या था, F is equal to GM1 M2 upon R square। G के यूनिट निकाल लें, G को एक तरफ रख लो बाकी दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या होगा, G is equal to F, ये डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, R square ये मल्टीप्लाई है G के साथ, वहां जाके डिवाइड M1 M2, ठीक। तो मेरे पास क्या बना, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के क्या होते हैं मीटर, और मीटर रेडियस स्क्वायर है, यहां पे यहां डिस्टेंस स्क्वायर है तो यहां पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन ये होते हैं केजी, मास है, मास इनटू मास, केजी स्क्वायर। सो ये इसके यूनिट्स हैं, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ
दिस इज द वैल्यू ऑफ जी. ओके, तो अब मैंने एक चीज कही थी कि ये आगे जाके हम करेंगे, दैट व्हाई आई एम नॉट अट्रैक्टिंग दीज चेयर्स. ठीक है, ऐसा क्यों है? तो इफ आई से कि मेरा वेट, ठीक है, वेट ही लेके चलते हैं कि मेरा वेट है सपोज, या कोई बॉडी है जिसका जी 60 है, चलो दूसरे का भी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ 636, तो कुछ भी ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं उसका, ठीक है, तो दोनों के बीच में 1 मीटर है, फाइन, या दोनों के बीच में 6 मीटर है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक, तो दो मेरे पास बॉडीज हैं जिनका मास है 60 और 60 और दोनों के बीच में 6 मीटर का फर्क है, फाइन, तो 60 वेट एक का, दूसरे का भी 60 और जस्ट 6 मीटर का फर्क है दोनों में, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, तो ये देखते हैं F is equal to, ये कितना आ गया 3600 अपॉन 36 इंटू 6.67 इंटू 10^-11, ठीक है, 36 से 36 कट गया, मेरे पास क्या आया 6.67 इंटू 10^-19 न्यूटन, ये फोर्स आई. अब माइनस नाइन मीन्स 6.67 डिवाइडेड बाय 10 9 जीरोस, सो इतनी छोटी फोर्स है वो दो बंदों के बीच में जिसका 60 वेट है, मास नहीं कह रहा हूं, वेट है, ठीक है, तो अब यहां, ठीक है, कि अगर उसका मास 60 है, मास 60 है तो उसके बीच में इतनी कम फोर्स है 10^-9, तो सोच के देखो कि 10^-9 तो अप्रोक्सीमेटली कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे मैं कोई चीज को हिला नहीं सकता, राइट, दैट्स व्हाई वी हैव फोर्स, ठीक है, वी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, बट दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल, दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल, इससे हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ एंड सिर्फ तभी एप्रिशिएबल होगी ये फोर्स व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द मास इज वेरी 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 लार्ज, ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहां पे 6 × 10^24 कर दूं मैं, ठीक है, तो वो 24 और यहां पे -11, 24 बड़ा हो जाएगा ना 10^24, तो फोर बहुत अप्रिशिएबल आएगी जो हमारी फोर्स है, ठीक, बट फॉर आर केसेस हमने समझ लिया कि हमारे लिए तो ये नेग्लिजिबल है बिकॉज इट इज द बिगेस्ट फोर्स वी हैव, फाइन, तो इज इट क्लियर, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली कि होता क्या है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी टू बॉडीज सच दैट they apply force on each other, they apply an attractive force of each other and on each other, which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the distance square. ठीक? तो अगली बार gravitation सुनो तो ये नहीं कह रहा सिर्फ अर्थ के बीच में है, gravitation हर किसी के बीच, ठीक है, gravity हम आगे करेंगे, ये अर्थ वाली भी आगे आएगी, तो अब कुछ हम इसके फॉर्मूले के या ग्रेविटेशन के देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती है हमारी. सो वेरी फर्स्ट इज कुछ की पॉइंट्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ओनली लिख रहा हूं, ओनली मींस अगर मैं मैग्नेट देखूं तो मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, सो देयर वी हैव अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ इन चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, बट पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, दैट मींस कि वहां पे ये अट्रैक्शन रिपल्शन है, बट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स
is only attractive force. Okay, then second, it is central force. I guess it is a central force. Yeah, हमने कर लिया कि दो बॉडीज का सेंटर से डिस्टेंस हमने मेजर करना है, ठीक है? तो ये सेंट्रल फोर्स है हमारी कि इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक हमने जो डिस्टेंस है उसको लिखना है, ठीक है? देन थर्ड, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. It obeys inverse square law. Inverse square law means that the force is inversely proportional to the distance square. ठीक है, इसको हम inverse square law बोलते हैं. तो ये इसकी तीसरी property है. Then the fourth property of the gravitational force, that it is independent. Of the medium in which the bodies are kept. ठीक है, so it is independent of the medium in which the bodies are kept. Means चाहे मैं दो bodies को air में रख लूं, चाहे water में रख लूं, चाहे किसी और medium में रख लूं, जो दो बॉडीज के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स है वो उतनी रहेगी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम. ठीक है, बिकॉज अगर तुम फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला क्या था, F is equal to G, M1, M2 upon R square. तो देखो ये फोर्स डिपेंड किस पे करती है, इसको ध्यान से फॉर्मूले को समझो. G बेचारा तो पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये तो है ही कॉन्स्टेंट, छोड़ दिया. प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, अब दो मासेस है, वो एयर में भी उनका वही मास होगा, वाटर में ले जाओ वो भी मास वही होगा, वेट नहीं कह रहा, मास वही होगा, ठीक. कहीं और मीडियम में ले जाओ मास वही होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास सेम है, ठीक. फिर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेम ही रख रहा हूं, चाहे इस मीडियम में, चाहे एयर में, चाहे किसी और मीडियम में, ठीक है, तो आर भी सेम है. तो भाई ये तो इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किसी और चीज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा. तो अगर मैं मास सेम रख रहा हूं, डिस्टेंस सेम रख रहा हूं, तो बाकी जो मर्जी आ जाए, ठीक, मीडियम जो सा मर्जी हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, राइट. देन फिफ्थ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज. Confusion of my force change करता हूँ, ताकि confused ना हो कि force between two bodies is independent of the presence of the other bodies. कि अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास suppose three bodies है, M1, M2, M3, ठीक है, तो जो ये फोर्स होगी इन दोनों के बीच, हमने फॉर्मूला किसका किया, हमने फॉर्मूला किया दो मासेस के बीच का फॉर्मूला, ठीक है, तो तीसरी मास का तो हमने बीच में कोई किया ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो हमारे पास यही होगी, F G M1 M2 by, अगर ये R1 है तो R1 square, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो F is equal to G M1 M3 by, इसको अगर R2 ले लूं तो R2 square, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो होगी F is equal to G M1 M2 M3 upon, अगर ये R2 है तो R2 3 है, 2 हो चुका है, R3 whole square, ठीक है. तो अब तुम कहोगे कि ये आपस में तो इफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो यही रहेगी,
इन दोनों के बीच में फोर्स है वो ऐसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हम ऐसे निकालेंगे, एंड देन वी वेक्टर सम इट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम होता है जो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो हम ज्यादा नहीं देखेंगे इसे, बट क्या होता है कि हम इनको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर देते हैं एंड टोटल नेट रिजल्ट निकाल देते हैं, राइट। सो बट इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो यही है, ये इसके कारण इफेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो जो अगर मुझे तीनों का नेट रिजल्ट निकालना है उसके लिए हम इसका वेक्टर सम निकाल लेते हैं, राइट। तो क्या है, दैट अ फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ठीक है, एंड फाइव हो गए थे, नाउ सिक्स पॉइंट, दैट दिस फोर्स is a conservative force. Yes, it is a conservative force. What do we mean by conservative force? Means ki which do not depend upon the path followed. ठीक है, जैसे हमने किया था ना displacement. Displacement क्या था कि अगर मैं A से B जाना मुझे जो कि है 5 मीटर, ठीक है, तो मैं सीधा चलेगा तो 25 मीटर है, मैं यहां से यहां से यहां से ऐसे जाऊं तो भी 5 मीटर है, ठीक, मैं यहां से ऐसे घूम के जाऊं तो भी इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही रहेगा, डिस्टेंस अलग हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ओनली, ठीक है, दैट आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम इसको प्रूफ करेंगे कि अगर मुझे ए से बी जाना है तो चाहे मैं सीधा चले जाऊं चाहे मैं ऐसे घूम के जाऊं, ठीक है, क्योंकि तब हम एक फॉर्मूला करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, MGH होता है वो, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यस विल प्रूव इट, yes it is a conservative force, fine. So this is all about our gravitational, universal gravitational force. ठीक है, and next जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि ये gravitational force के कुछ points हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये हमारी gravitational force use हो रही है. ठीक है, for example we are attracted planets and satellites हमने किया and other things, ठीक है, वो secret है, वो हम next video में रखेंगे, ठीक है, so we'll do that in the next video and I hope captain interesting लगा हो, if you still have any query you may comment in the comment section, I'll surely answer it, ठीक है, thank you so much, do like and subscribe my videos, fine.